इस लेक्चर में हम लेयर्स की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और देखेंगे कि लेयर्स जो हैं वो उन पे हम कैसे काम करते हैं और डिज़ाइनिंग में वो कैसे यूज़ होती हैं और उनका नेचुरल ऑर्डर क्या है और उनको अगर हमने डिफरेंट उनकी तरतीब लगानी हो तो वो कैसे लगाएंगे। और उसके बाद दूसरा हम देखेंगे कि इनको ग्रुप्स में कैसे लेके आ सकते हैं, इनको हाइड कैसे करना है, इनको शो कैसे करना है, इनको सेलेक्ट कैसे करना है, तो और डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स कौन कौन सी हैं, उनके थंबनेल आइकॉन्स कैसे यहाँ पे लेयर पैनल्स में नज़र आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा एक नई लेयर, वो अब उसके दो मेथड हैं, या तो आप यहाँ पे ये छोटा सा आइकॉन आ रहा है राइट साइड पे इसको क्लिक करें तो ये देखें लेयर वन के नाम से एक लेयर आ गई है, इसको डबल क्लिक आप यहाँ पर करेंगे तो लेयर का नाम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ब्रश लिख देता हूँ इसका नाम, कि यहाँ मैं ब्रश यूज़ करने लगा हूँ। अगर मैं ब्रश टूल पकड़ता हूँ और यहाँ पे कुछ मतलब ऐसे ब्रश से ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें ब्रश से यहाँ पे ब्रश का ड्रॉ हो गया और साथ जो लेयर का थंबनेल था उसमें भी ये आपको आइकॉन में नज़र आने लग पड़ा है ये ड्रॉ हुआ हुआ। इससे आपको इजी होता है कि कौन सी लेयर पे आप। उसके बाद दूसरी जो किस्म की लेयर है वो आपका यहाँ पर शेप लेयर है। जैसे यहाँ से मैंने अब शेप सेलेक्ट की है तो मैं उसको जो है वो यहाँ पे अब ड्रॉ करता हूँ कोई भी शेप। जैसे ये मैंने शेप ड्रॉ की है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो, हमें पता लगे कि ये अलग शेप है। अच्छा ये अब देखें ये ब्लू कलर की जो ये शेप आई है, शेप लेयर है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ। इसके यहाँ देखें आइकॉन के कोने में छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ है, ये शो कर रहा है कि ये एक शेप लेयर है। इसको मैं शेप लेयर लिख लेता हूँ ताकि आपको ये याद भी रहे। अच्छा उसके बाद अब ये एक शेप लेयर हो गई, एक नॉर्मल लेयर है जिस पे को आर्ट वर्क किया हुआ है, वो पीछे से बैकग्राउंड उसकी ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है और अंदर उसके आर्ट वर्क हुआ है। अब देखें अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी आपने देखनी है तो आप ये बैकग्राउंड हाइड कर दें, ये देखें पीछे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। ये मैं फिर एक्टिव करने लगा हूँ इसे। अच्छा अब ये शेप लेयर आपने ड्रॉ कर ली, उसके बाद हम एक टेक्स्ट की लेयर ड्रॉ करेंगे। ये देखें मैं यहाँ पर अब कुछ टाइप करने लगा हूँ, कलर सेलेक्ट किया, यहाँ से साइज सेलेक्ट किया और ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब ये देखें ये जो सारी लेयर्स हैं ये एक दूसरे के टॉप पे बनती जा रही हैं। नेक्स्ट लेयर मैं क्रिएट करता हूँ तो वो इसके टॉप पे पिछली लेयर के टॉप पे आती है, ये इनका नेचुरल ऑर्डर है। अगर मैं इसको मतलब बदलना चाहूँ, जैसे अब ये लेयर है ये इसके टॉप पे है, ये देखें ये इसके अंदर नज़र आ रही है, ये इसके टॉप पे है। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ ऑर्डर तो इस लेयर को पकड़ के सेलेक्ट करके और ट्रैक करके आप ऊपर करेंगे तो ये अब देखें वो लेयर हाइड हो गई, वो पीछे चली गई है इसके। अब देखें अगर मैं ये लेयर सेलेक्ट है इसको पीछे करता हूँ तो आपको ये नज़र आने लग पड़ेगा। इसी तरह ये लेयर्स भी हैं, ये भी इनके पीछे, ये ब्लू लेयर के पीछे ये दोनों लेयर्स हैं, इसके नीचे हैं। जैसे हम किताबों की एक तरतीब लगाते हैं या समझ लें एक स्टैक बनाते हैं, एक बुक उसके ऊपर दूसरी उसके ऊपर तीसरी, तो सबसे ऊपर वाली बुक हमें नज़र आती है, जो नेक्स्ट बुक है वो हमें अगर हम ऊपर से टॉप व्यू से देख रहे हों तो नेक्स्ट बुक नज़र नहीं आएगी। इसी तरह ये लेयर्स काम करती हैं। अच्छा ये तो टाइप्स हो गई लेयर्स की। उसके बाद अब ये देखें अगर मैं इस लेयर की ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूँ, इसकी ट्रांसपेरेंसी, तो ये देखें आपको पीछे बैकग्राउंड में वो नज़र आने लग पड़ेंगी। और उसके बाद एक तो ये हो गया लेयर्स आपने सारी बना ली, इनका ऑर्डर भी बदल लिया, इनकी टाइप्स भी देख ली। अब हम देखते हैं कि इनका ग्रुप कैसे बनाना है, उनको सेलेक्ट कैसे करना है। आप ये देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे लेयर्स के ऊपर यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट ऑन है, ये आप मेक श्योर करें कि आपका ऑटो सेलेक्ट ऑन हो, क्योंकि जो शुरू में यूज़र्स हैं उसमें ऑटो सेलेक्ट ऑन हो तो ईजी होता है आपको। जैसे मैं इस लेयर पर क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गई है, ये हेलो पर क्लिक करूँगा तो ये देखें इधर से ये हेलो सेलेक्ट हो गया, ये वाली लेयर सेलेक्ट होगी। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्रश वाली लेयर सेलेक्ट होगी। अब मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ जब ये सेलेक्ट हो गई है। अगर ये सेलेक्ट है तो फिर मैं इसी को कहीं मूव कर सकता हूँ, दूसरी को नहीं कर सकता। ये तो हो गई सिलेक्शन और मूवमेंट, आपने किस तरह लेयर सेलेक्ट करनी है और अगर उसको मूव करना है तो कैसे करना है। उसके बाद ये इसका ऑर्डर भी हमने चेंज कर लिया। अब हम इसको बनाते हैं एक ग्रुप में। इन सबको सेलेक्ट करने के लिए ये मैंने पहली सेलेक्ट की, उसके बाद मैं कंट्रोल की मैंने कीबोर्ड पे प्रेस की और उसके बाद दूसरा और तीसरा, ये तो कंट्रोल के साथ सिलेक्शन है। इसमें मैं अगर सेंटर वाले को ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा, इन दोनों का सिर्फ ग्रुप बनेगा। उसके बाद आप लेयर में जाएँ और ये ग्रुप लेयर यहाँ पर आ रहा है,
यहाँ से भी आप कर सकते हैं और कंट्रोल जी भी प्रेस कर सकते हैं, तो आपका ये ग्रुप में आ जाएंगे। जैसे अभी ये देखें ग्रुप में आ गए, इकट्ठे हाइड हो रहे हैं और इकट्ठे शो हो रहे हैं। ये आई का आइकॉन जो आँख बनी हुई है ये इनको हाइड करती है और दिखाती है, अगर आई ऑन होगी तो ये आपको नज़र आएंगी लेयर्स, वरना ये हाइड हो जाएंगी। अब ये देखें ये मैंने एक ग्रुप बना लिए। अच्छा उसके बाद ये है कि अगर आपने ऑटो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर मैं ये देखें ऑटो सेलेक्ट अभी लेयर पे सेट है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें लेयर को सेलेक्ट करता है, ग्रुप को सेलेक्ट नहीं करता। अगर आप ऑटो सेलेक्ट ग्रुप कर देंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो ग्रुप को देखें सेलेक्ट करता है, लेयर को सेलेक्ट नहीं करता। ये ऑटो सेलेक्ट का है। और अगर आपका ये ग्रुप सेलेक्ट है, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको आप मूव करें तो ये ग्रुप पूरा मूव होगा। ठीक है, उसके बाद ग्रुप मूवमेंट भी आ गई। अच्छा ये यहाँ पे आपको शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ रहा होगा। ये देखें ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि इसको इसकी हाइट विड्थ और रोटेशन वगैरह जो है वो इसको स्केल करना है, इसको बड़ा करना है, छोटा करना है। ये देखें अब शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ रहा है, तो मैं इसको छोटा करना चाहूँ तो मैं छोटा कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ। लेकिन नॉर्मली हम ये कंट्रोल्स जो हैं वो यहाँ पे शो नहीं करते, दिखाते नहीं है डिफ़ॉल्ट में इनको। नॉर्मली डिज़ाइनिंग में मैं इनको ऑफ ही रखता हूँ। यहाँ से आप इसको क्लिक करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम करते हैं ख़ासतौर पर जब आप दो लेयर्स यहाँ से ऐसे मैं इनको अलाइन करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें अब यहाँ पर आ रहा है, मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा कि ये नेक्स्ट लेयर के साथ अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें अब मुझे नज़र आ गया कि ये यहाँ से बिल्कुल इसके साथ अटैच्ड है। तो इसके साथ ही मेरा जो बेसिक लेक्चर था लेयर्स का, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट आ गया कि लेयर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं और उनको सेलेक्ट कैसे करना है, उनको रीग्रुप कैसे करना है, और उसके अलावा उनको उनका ऑर्डर कैसे चेंज करना है, और अगर आपने डिलीट करनी है तो वो यहाँ से ड्रैग करके आप डिलीट पे फेंक दें, या उसको डिलीट का की प्रेस कर दें सेलेक्ट करके लेयर तो डिलीट हो जाएगी। अच्छा बैकग्राउंड की लेयर जो है इस ये नॉर्मली ऐसी रहती है, हम इसको फ़िलहाल रहने दें। नेक्स्ट जब हम एडवांस में जाएंगे तो देखेंगे कि इसको कैसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं। अभी के लिए लेयर्स का ये काफ़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अगर आपको ये मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पर विज़िट करें learnuxid.com, और सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए, ताकि आपको जो नई नई अपडेट्स हैं नए न्यू कोर्सेज़ के बारे में, एंड्रॉयड और iOS UI और हाउ टू डबल योर फ्रीलांस रेट, ये मेरे नेक्स्ट कोर्सेज़ हैं, तो इनकी अपडेट्स हासिल करने के लिए जो है वो सब्सक्राइब करवाएं, और मेरे YouTube का चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए। थैंक यू।